नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई साफ तौर पे सड़क पे नज़र आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त पशुपति पारस के घर के बाहर हैं। यहां पे चिराग पासवान अपने चाचा से मिलने आए, क्योंकि पशुपति पारस दूसरे खेमों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और कुल लोजपा के 5 सांसद पशुपति पारस को मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पशुपति पारस के साथ वीणा देवी, चंदन सिंह, महबूब अली कैसर और प्रिंस राज एक साथ हैं और चिराग पासवान को अकेले छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक चिराग पासवान पशुपति पारस से मिलने के लिए इंतज़ार करते रहे, लेकिन पशुपति पारस ने इनकार कर दिया और उन्होंने मिला तक नहीं चिराग पासवान से। आपको बता दें कि चिराग पासवान यहाँ पे पशुपति पारस के घर पे आए और इंतज़ार करते रहें कि चाचा आए सामने और बैठ करके बात करें, लेकिन पशुपति पारस ने मिला तक नहीं, भाव तक नहीं दिया चिराग पासवान को और चिराग पासवान को यहाँ से मायूस होकर के लौटना पड़ा। आपको बता दें कि पशुपति पारस अभी मौजूदा समय में सांसद हैं और रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, और उनके निधन के बाद से ही कहा जा रहा था कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में काफ़ी नाराज़गी है। दोनों के बीच में नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि पार्टी टूट के कगार पे है और पशुपति पारस ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी का नेता हम हैं, यानी कि पशुपति पारस हैं। चिराग पासवान को अकेला छोड़ करके पार्टी के सभी सांसद, 5 सांसद एक साथ हैं और चिराग पासवान अकेले। अब देखने वाली बात यह है कि क्या चिराग पासवान अपने चाचा के पास आकर के क्या गुहार लगाएंगे, कैसे बात बनेगी, कैसे बात आगे बढ़ेगी, क्या चिराग पासवान को छोड़ करके सारे सांसद आगे बढ़ेंगे, क्या पशुपति पारस अपने भतीजा को चिराग पासवान को माफ़ करेंगे, या फिर जो मौजूदा समय में जो हालात बन रहे हैं, जो नाराज़गी नज़र आ रही है, क्या वो नाराज़गी साफ तौर पर आगे बढ़ जाएगी, क्या वो नाराज़गी पार्टी के टूट तक बढ़ेगी, क्या चिराग पासवान को अकेला छोड़ करके पशुपति पारस चारों सांसद को लेकर के आगे जाएंगे, क्या लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान के साथ अब कोई नहीं है, क्या चिराग पासवान अकेला पड़ गए हैं, क्योंकि 2 घंटे का इंतज़ार करना और फिर यहां से मायूस होकर के लौटना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दोनों के बीच में, चाचा और भतीजे के बीच में काफ़ी नाराज़गी है। अब देखने वाली बात यह है कि नाराज़गी कहाँ तक जाती है, क्या ये नाराज़गी सुलह में समटेगी या फिर ये नाराज़गी पार्टी के टूट को अंजाम देगी। देखने वाली बात यह है कि क्या पशुपति पारस क्या भतीजे को माफ़ करेंगे, क्या चिराग पासवान झुकेंगे या फिर ये पार्टी 2 खेमे में बंटकर आगे बढ़ेगी। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।